बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज है मोदी जी की हैप्पी वाली बर्थडे, तो हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे शुभकामनाएं। और भाई क्योंकि ये वीडियो हमें बहुत सजेस्ट की गई थी, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम इसी वीडियो में आज विश करेंगे। तो वीडियो कौन सी बताएंगे, मौसम टाइटल है सीओ समिट 2022 पीएम मोदी डायरेक्टली टेल्स पुतिन दैट दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल का आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर को फॉलो कर इनके चैनल को, उसके अलावा लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं कि इस वक्त शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट चल रहा है उज़्बेकिस्तान में, और पूरी दुनिया की नजर थी इस मीटिंग पे। मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपको आर्टिकल्स दिखाऊंगा। पूरी दुनिया ने रिएक्ट किया है कि कैसे नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन आपस में मिलते हैं, और मोदी जी का यहाँ पर क्या रिएक्शन होगा, मोदी जी क्या कहेंगे पुतिन को। बहुत ही इंटरेस्टिंग मीटिंग हुई है। नाउ पहली बात तो मैं आपको वैसे ये बता दूँ, इस मीटिंग में वॉर्म्थ की काफ़ी कमी देखी गई। वैसे आप जब से देखो मोदी जी पीएम बने हैं, तब से लेकर अब तक जब भी पीएम मोदी और पुतिन मिलते हैं ना, तो पीएम मोदी एक हग इनिशिएट करते हैं, और पुतिन भी आप देखोगे ज़रातार ये एक हग करने वाले व्यक्ति है नहीं। पुतिन डिस्टेंस मेंटेन करना पसंद करते हैं, हैंडशेक करते हैं ज़रातार वर्ल्ड लीडर्स को, मगर पीएम मोदी के केस में आप देखोगे कि व्लादिमीर पुतिन भी काफ़ी बार दिल खोल के इनके साथ गले मिलते हैं, मगर ये पहली बार मैंने देखा है पीएम मोदी के पूरे टेन्योर में एज द प्राइम मिनिस्टर जब ये व्लादिमीर पुतिन से मिले और दोनों लीडर्स यहाँ पर गले नहीं मिले। क्योंकि देखिए बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है, पूरी दुनिया इस मीटिंग को कवर कर रही थी, तो ऑब्वियस ही बात है इंडिया ये एक संकेत नहीं देना चाहता कि एक ऐसा देश जो अग्रेशन दिखा रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट, जो काफ़ी बार चाइना के साथ मिलकर जापान के अगेंस्ट अग्रेशन दिखा चुका है, इंडिया के पीएम ऐसे टाइम में सीधा उससे गले मिल जाते हैं। तो पीएम मोदी ने भी डिप्लोमेटिकली एक मैसेज सेंड किया, पीएम मोदी से बस हाथ मिलाकर कोई यहाँ पे हग नहीं हुआ। अब उसके बाद पीएम मोदी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली, इन्होंने बाकी दुनिया को ये कहा कि इन्होंने पुतिन के साथ बात करी और ये कहा कि ये जो एरा है, ये जो ज़माना जिसमें हम जी रहे हैं, ये एक वॉर की एरा नहीं है। वॉर पुरानी हो चुकी है, एक ज़माना होता था कि ह्यूमन बींग्स नेशंस एक दूसरे पर वॉर करते थे, नाउ वी आर पास्ट इट। हालांकि आप कह सकते हैं यूएसए ने पिछले 20 सालों में काफ़ी बार कंट्रीज पे अटैक किया है, गवर्नमेंट्स डिस्ट्रॉय करी है, नेशंस ऑल टुगेदर डिस्ट्रॉय किए हैं, तो यूएसए ने जो किया है ऑब्वियसली गलत है, मगर रशिया जो यहाँ पर यूक्रेन के साथ कर रहा है, डेफिनेटली आज की दुनिया में इसकी कोई जगह है नहीं। और पीएम मोदी ने ये बात कैटेगोरिकली बोल दी। मैं चाहता हूँ ये जो छोटी सी क्लिप है ये आप देखें। हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सलेंसी से मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा, आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग स्टेटमेंट थी बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि वर्ल्ड मीडिया क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, और बाद में इस स्टेटमेंट के बाद वर्ल्ड मीडिया ने इस पर क्या कहा, मगर पुतिन ने भी आप देखोगे कि बहुत कूल तरीके से इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया, कुछ फायर बैक नहीं किया। एक बार को पुतिन अगर मान लीजिए खराब मूड में होते तो बोल देते कि तो क्या करता, मैं भी गलती से ब्रह्मोस मार देता यूक्रेन को। तो अगेन पहले तो आपको जानना होगा कि पीएम मोदी की इस मीटिंग से पहले वर्ल्ड मीडिया क्या कह रहा था। वर्ल्ड मीडिया पीएम मोदी की आलोचना कर रहा था, इंडिया की आलोचना कर रहा था कि पीएम मोदी जो ये पुतिन से मिल रहे हैं, इससे देखिए इंडिया ना जो अपने रिलेशंस हैं यूएस के साथ इनको रिस्क में डाल रहा है। बीच में जापान की सरकार का एक ऑफिशियल, उसने मीडिया को कहा कि मेरा नाम एनोनिमस रखना, मेंशन मत करना, मगर उसने कैटेगोरिकली ये कह दिया, यहाँ पर आप देख पाओगे डेक्कन हेराल्ड का आर्टिकल है, कि इंडिया को कैसा लगेगा, आप सोच कर देखिए भारत को कैसा लगेगा अगर जापान अचानक से ना पाकिस्तान के साथ युद्ध अभ्यास करना स्टार्ट कर दे,
और फिर जब इंडिया थोड़ा प्रोटेस्ट करे या फिर ये कहे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तब जापान जवाब दे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो थोड़ी ना किया हमने युद्ध अभ्यास। ये ऑफ कोर्स यहाँ पर रेफरेंस कर रहे थे वोस्तोक 2022 की। वोस्तोक 2022 आपको पता होगा एक युद्ध अभ्यास है जिसमें रिसेंटली भारतीय थल सेना ने पार्टिसिपेट किया है, मगर हमारी नेवी यहाँ पर नहीं गई क्योंकि हम जापान को एक गलत मैसेज सेंड नहीं करना चाहते थे कि कुरिल आइलैंड के पास हम रशियन नेवी के साथ एक युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। तो देखिए भारत पर प्रेशर बहुत था। इस मीटिंग से पहले पूरी दुनिया की नजर थी कि क्या पीएम मोदी सब यूक्रेन वगैरह का भूल भुला कर सीधा पुतिन से गले मिलेंगे, बोलेंगे कि इंडिया रशिया के रिलेशन स्ट्रांग है, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ खड़े हैं, या फिर पीएम मोदी बोलेंगे पुतिन को कि ये वॉर का एरा नहीं है, आपको पीस के रास्ते पे चलना चाहिए। तो पीएम मोदी ने कैटेगोरिकली जब ये बात बोली उसके बाद मैंने नोटिस किया वर्ल्ड मीडिया ने ऐसे आर्टिकल छापने स्टार्ट कर दिए कि पीएम मोदी असेल्स पुतिन ओवर यूक्रेन वॉर। असेल का मतलब पता है क्या होता है? असेल काफी स्ट्रांग वर्ड है वैसे, इन्होंने ये रॉयटर्स बहुत ज्यादा एक फेमस न्यूज आउटलेट है दुनिया भर में, ये लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने शब्दों से अटैक किया पुतिन पर। असेल का मतलब यही होता है शब्दों से अटैक करना या फिर कुछ केसेस में फिजिकली भी अटैक करना, मगर इस केस में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शब्दों से अटैक करने के बारे में। उसके अलावा बीबीसी के जो बहुत ही फेमस इंटरनेशनल रिलेशंस कवर करने वाले जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी ये कहा कि क्रेमलिन को उम्मीद थी कि एससीओ समिट में इंडिया रशिया के समर्थन में कुछ बात बोल देगा जैसे चाइना बात कर रहा है, मगर पीएम मोदी की जो एक लाइन है टुडेज एरा इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये अपने आप में एक बहुत ज़रा करारा जवाब है रशिया को। तो वर्ल्ड मीडिया ने ओवरऑल आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से पीएम मोदी की स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया है और ये कहा है कि मोदी जी ने पब्लिकली पुतिन को कह दिया कि यूक्रेन की वॉर ख़त्म करो। अब ऐसी बात है पुतिन ने अपने जवाब में ये भी नहीं कहा कि ओके ब्रो अभी ख़त्म करता हूँ यूक्रेन वॉर, मेरे दिमाग में आई नहीं ये बात, क्यों नहीं ये कर देता। पुतिन ने यहाँ पर एक बहुत ही नपातला जवाब दिया। पहले तो पुतिन ने ये कहा कि देखिए हम आपके कंसर्न समझते हैं, क्योंकि इंडिया के पीएम ने ये भी मेंशन किया कि यूक्रेन वॉर की वजह से फर्टिलाइजर के दाम, कच्चे तेल के दाम, उसके अलावा फूड आइटम्स के जो दाम हैं दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, दुनिया इन्फ्लेशन फेस कर रही है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। तो पुतिन ने कहा कि हम आपके कंसर्न समझते हैं, मगर आगे इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड कर दिया, मगर अनफॉर्चुनेटली हम क्या करें, हमारे कंट्रोल में कुछ है नहीं ज़्यादा, क्योंकि यूक्रेन की जो लीडरशिप है उन्होंने तो कह दिया कि पीस की कोई बातचीत हम रशिया के साथ करेंगे ही नहीं। और वैसे टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो पुतिन गलत नहीं कह रहे, क्योंकि जेलेंस्की ने रिसेंटली ये कह दिया कि रशिया के साथ पीस नहीं हो सकता जब तक रशियन कंप्लीट ट्रूप विड्रॉल नहीं होता। एक्चुअली इन्होंने उसके आगे ये भी ऐड कर दिया कि पहली शर्त तो ये है कि सारे रशियन सोल्जर वापस अपने देश में जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि पीस करना है या नहीं करना। तो पुतिन अपनी तरफ से जो ये बात कह रहे हैं कि जेलेंस्की भी ऐसा नहीं है कि हमको बहुत सारे ऑफर दे रहे हैं, जेलेंस्की बिल्कुल बैठे हैं पीस का एक एग्रीमेंट लेके के आओ बात करते हैं पीस की, वो भी अपनी तरफ से काउंटर ऑफेंस कर रहे हैं। तो पहली बात तो पुतिन ने रशिया का जो यहाँ पर स्टांस है ये क्लियर कर दिया। उसके बाद अब देखो पुतिन को ये भी पता है कि इंटरनेशनली ये एक मैसेज नहीं जाना चाहिए कि इंडिया रशिया की बड़ी कड़वी बातचीत हो गई है ओपन में उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट में, पीएम मोदी ने एक डायरेक्टली आप कह लीजिए असेल कर दिया पुतिन को। पुतिन डेफिनेटली ये काफ़ी करप्ट लीडर हैं, क्रूअल इंसान है, मगर मैं साथ में ये भी कहूँगा कैरिज्मेटिक आदमी है। इनको पता है कि जब सिचुएशन थोड़ी सी खराब जा रही है तो क्या बोल के एक खराब कॉन्वर्जेशन को अच्छे नोट पे एंड कर सकते हैं। तो ये आप कह लीजिए फाइनली पुतिन ने ना एक रिलैक्स बॉयज वाला मूव चला, इन्होंने कहा कि मोदी जी आपका बर्थडे है कल मुझे पता है। और अगेन जैसे ही पुतिन की यह स्टेटमेंट आई जो भी टेंशन थी यूक्रेन की स्टेटमेंट को लेकर सब बिल्कुल हट गई, अचानक से मूड लाइट हो गया, वापस इंडिया रशिया दोस्ती की जो बातें होती है जो वाइब्स हैं वो वापस आ गई। इन्होंने कहा कि देखिए मोदी जी मुझे पता है कि कल आपका बर्थडे है, मगर हमारे रशिया में ट्रेडिशन होती है कि हम एक दिन पहले विश करते नहीं हैं, तो हम आपको कल विश करेंगे, मगर हम आपको बता दें कि आपका बर्थडे हमारे माइंड में है, हम आपको विश करना चाहते हैं। तो अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें यहाँ पर इन्होंने बोली ताकि ओवरऑल ये पूरी कॉन्वर्जेशन ख़राब ना जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो पूरा ये बातचीत की वीडियो है ये रशिया में भी ब्रॉडकास्ट होगी, तो पुतिन अपने लोगों को ये नहीं दिखाना चाहेंगे कि यूरोप हाथ से गया, यूएस से रिलेशन ख़राब हो गए, अब इंडिया से भी रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पुतिन ये प्रेजेंट करना चाहेंगे कि इंडिया स्टिल विद अस। तो बहुत ही मैच्योर तरीके से ये जो कॉन्वर्जेशन है पुतिन ने एंड करी है। उसके अलावा कुछ यहाँ पर एग्रीमेंट्स कुछ MOU साइन नहीं हुए, और अब दुनिया की नज़र है SCO समिट 2023 पर।
क्योंकि 2023 में आपको पता होगा कि भारत होस्ट करेगा SEO समिट। इंडिया को ऑलरेडी इसकी चेयरमैनशिप मिल चुकी है और पाकिस्तान ने ऑलरेडी कह दिया है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि हमें समिट को बॉयकॉट कर दे क्योंकि कश्मीर का इशू है। पाकिस्तान एज ए मेंबर ऑफ SEO हो सकता है कि 2023 में इंडिया में बिल्कुल आई ही ना, मगर डज नॉट मैटर क्योंकि 2023 में दुनिया की नज़र होगी ईरान की मेंबरशिप पर, क्योंकि 2023 में भारत में ईरान ऑफिशियली बन जाएगा SEO का एक प्रॉपर मेंबर। ये 2022 में सारे कंट्रीज़ ने अप्रूव कर दिया ईरान की मेंबरशिप एंड ईरान विल बी एक्सेप्टेड इनटू SEO इन 2023। और फाइनली मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए क्योंकि हल्का सा गूगल सर्च करोगे आंसर मिल जाएगा। वैसे जो लोग कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ड दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इनमें से वो कौन सा देश है जो एक ऑब्जर्वर कंट्री नहीं है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, ट्रिकी क्वेश्चन है, देखता हूँ कितने लोग सही कर पाएंगे। इंटरेस्टिंग टू सी सही आंसर, जो लोग ऐसे करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ड दे दूंगा। और फाइनली मैं ऐड कर दूं कि आज है अनअकैडमी की सेल का आखिरी दिन, आज रात को 12 बजे ये सेल खत्म हो जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे वेरियस लिंक्स, UPSC, SSC, बैंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, तो अनअकैडमी का जो UPSC कोर्स है इसमें आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको परचेज करने हैं ये कोर्सेज, यूज द कोड PD10, सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। बात करेंगे इस वीडियो की तो जिस तरह PM मोदी जी ने उन्हें कहा है कि ये जो टाइम है जो अभी चल रहा है ये वॉर का टाइम नहीं है, दुनिया जो है बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है और वाकई ये हकीकत है, दुनिया जो है वो अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है। वैसे जब वीडियो स्टार्ट की और जो प्रशांत सर ने यू नो पॉइंट्स हम कहेंगे कि नोट किए, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो डिप्लोमेसी की वीडियोस देख देख के ना मुझे जरा इंटरेस्ट होना शुरू हो गया है इसमें कि आपको वाकई में मजा आता है ये देखकर। आप एक एक चीज जो उनका जेस्चर है, जो उनका पोस्चर है, हर चीज को ऑब्जर्व करते हो कि किस तरह से हाथ मिलाया गया, डायरेक्शन क्या थी, गले लगे या नहीं लगे, बातचीत कैसे की, मतलब बॉडी लैंग्वेज समझना। सो मुझे लगता है ये काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जब आप इसको समझना शुरू करते हो। और बाकी इसमें कोई शक नहीं है, PM मोदी जी ने बिल्कुल सही बात की क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ रशिया और यूक्रेन की वॉर है, ये इस वॉर में ऑलमोस्ट पूरी दुनिया फंस चुकी हुई है और हर कोई इसको फेस कर रहा है इन्फ्लेशन के रूप में। तो मुझे लगता है कि अभी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और उसके साथ साथ जैसे कि हम लोग को पता भी है कि वेस्ट जो है वो हमेशा के इसी जल्दी में होता है कि जल्दी से किसी की इमेज खराब करें, तो वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले जो है वो कुछ राय नहीं बनानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा ना उल्टा हो गया उन पर। बिल्कुल, वैसे अगर ये शंघाई कॉर्पोरेशन की बात करें तो इस चीज बात में तो कोई शक नहीं कि बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इवेंट रहा है, पूरी दुनिया जो है इसके ऊपर नजर जो है वो रख के बैठी हुई थी। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को देखा है, ट्विटर पे देखा है कि जो है दुनिया इस चीज को कवर कर रही थी, इनके जो PM या प्रेसिडेंट एक दूसरे से मिलते थे उनकी जो है पूरी एक बिल्कुल कन्वर्सेशन जो है वो दिखाई जाती थी। अभी जो वाकई बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपकी बहुत ज्यादा काउंट होती है कि आप अगले बंदे से किस तरह मिले। अभी तो ये एक बहुत बड़ा यू नो डिप्लोमेटिक अगर कहें तो ये वो मीटिंग्स थी, लेकिन अगर हम अपनी आम जिंदगी पे भी अप्लाई करें तो हमारी भी बॉडी लैंग्वेज जो है वो किसी से मिलते हुए बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंट रहती है, हर बंदे के साथ जो है वो चेंज होती रहती है। और यूक्रेन रशिया की बात करें तो इस बात में तो कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया हुआ है। अगर हम अपने यहाँ पे देखा पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी हमें जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उसका देखने को मिला है। अभी वैसे ये वीडियो हमने देखी, इसमें जो पीस टॉक की बात की हुई, तो अगर वाकई जो रशियन प्रेसिडेंट हैं उनकी भी बात की जाए तो उन्होंने एक बहुत डिप्लोमेटिक जो है जवाब दिया कि पीस नहीं, वो बात ही नहीं करना चाहते। तो मैं वैसे बोलूं तो मुझे वैसे ये न्यूज इसमें अभी मतलब पता चली है, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो यूक्रेन है उसको भी थोड़ा सा अब यू नो थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, एक चीज समझ में आती है
कि जो यूक्रेन के जो लीडर हैं वो ये कहते होंगे कि जितना डिजास्टर इन्होंने करना था या जो तबाही होनी थी वो हो गई, अब इससे ज्यादा क्या करेंगे। पर मुझे लगता है कि ये सोच जो है ना, ये बहुत सारे और देशों को और लोगों की जिंदगियों को अपने लपेटे में ले लेगी। तो ऐसा नहीं होता कि जो तबाही होने के बावजूद हम ये कहेंगे अब तो हमारा सब कुछ लुट गया है तो अब और क्या हमारे पास है खोने के लिए। मुझे लगता है पीस टॉक होना चाहिए। और प्रॉब्लम ये चलती है ना कि बाकी और सारे जो कंट्रीज हैं वो बड़ा एक दूसरे को पंप करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं अब आप इस तरह से करें, आप पीछे ना हटें। तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लीडर्स की जरूरत है जो कि इन मामलात को सुलझाएं, बजाय इसके कि इसके लपेटे में बाकी और सारे मुल्क आ रहे हैं। क्योंकि वॉर सिर्फ ये नहीं है कि किसी ने किसी कंट्री पर हमला कर दिया, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी वॉर है जो कि मुझे लगता है कि आज के टाइम में लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गई हुई है कि इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करें या सामना करें। या जो बड़ी बड़ी मैं कहूंगी कि जो ऐसे देश जो कि बहुत अमीर हैं उनको भी इन प्रॉब्लम्स को, इन चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। यार इन्फ्लेशन की बात की जाए तो इस चीज में तो कोई शक नहीं कि जब से रशिया और जो है यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई है पेट्रोल प्राइसेस जो है वो बढ़ी हैं। फिर उसके अलावा जो है देखा जाए तो साथ साथ बहुत सारी चीजों में जो है वो चेंज आया, उनकी प्राइसेस में बहुत ज्यादा फर्क जो है वो आ चुका है। तो इससे जो हमारे पाकिस्तान जैसे जो गरीब मुल्क हैं ठीक है ना, वो तो इम्पैक्ट हुए ही हुए हैं, लेकिन जो अमीर मुल्क हैं वहां पे भी जो है काफी ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो देखने को ये मिला है। हाँ। और पीस टॉक जो है होने चाहिए, बेशक वो यूक्रेन रशिया हो पाकिस्तान इंडिया हो, भाई पीस टॉक जो है ना वो होने चाहिए, डायलॉग जो है होने चाहिए। अभी जैसे 2023 का जो समिट है वो जो है इंडिया होस्ट कर रहा है, तो मेरे मुताबिक तो जो है ना भाई पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए। वैसे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ना इन लोगों को अभी तक पॉलिटिक्स ही नहीं करनी आती, इन लोगों को पता ही नहीं है कि डिप्लोमेसी क्या होती है, किस तरीके से आप अपने नेशन के इंटरेस्ट में चीजें करते हो। अभी 2023 में हो ना और आपका पहले ही स्टेटमेंट ऐसा आ रहा है। और मैं ये बात बोलती हूँ कि इस एक चक्कर में ना इन लोगों ने अपना मुल्क तबाह कर दिया है। मतलब इनके खुद के मुल्क के लोगों के हालात ऐसे हो गए हुए हैं कि लोगों का गुजारा करना मुश्किल है। लेकिन क्या है, नहीं हम लोग अपनी ईगो बीच में रखेंगे। मुझे लगता है कि इन लोगों को ये चीज़ समझ आनी चाहिए और लोगों को भी ना अब थोड़ा इनको मुझे लगता है कि इस रास्ते पर लेकर आना चाहिए कि भाई आप ये कॉन्फ्लिक्ट एक साइड पर रखो, लेकिन हमारे मुल्क के लिए लोगों के लिए क्या बेहतर है सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए। सही बात है। और हमें देखने हाँ ये चीजें हाँ। हम लोगों को अपने नेबर कंट्रीज से जो है वो सीखनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर जैसे ईरान की भी बात करें कि ईरान भी आने वाले टाइम में एक परमानेंट मेंबर बन जाएगा। ईरान के मतलब अगर देखा जाए तो उस पर भी सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एक स्टेप ले रहा है, बाकी के कंट्रीज उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज का ख्याल रखे बगैर कि उन पर शायद प्रेशर भी आ जाता है, लेकिन वो उसको एक मेंबर बना रहे हैं। मैं ये बात सोचती हूँ कि जब बाकी कंट्रीज जो हैं वो इन चीजों को समझते हैं और अपने कंट्री के हक में क्या चीजें बेहतर हैं वो वाले स्टेप लेते हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं इस तरीके से कर सकता। तो मुझे लगता है कि इनके पॉलिटिशियंस को, लाइक पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, इनको सीरियसली बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा, और वैसे जो पीएम मोदी जी की अगर हम बात करें तो जो उन्होंने बात की कि ये अभी का जो टाइम चल रहा है वो वॉर का नहीं है, तो मैं ये बात सोच रही थी कि क्योंकि हम लोग शुरू से जब से रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी तो अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहा था कि इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आनी चाहिए जो कि रशिया के गेंस, और बेसिकली चाहता तो वो यही था। लेकिन मैं ये बात सोचती हूँ कि देखो आज के टाइम में मतलब इंडिया ने उस टाइम पर नहीं दी, उनका जब दिल किया उन्होंने तब आकर वो स्टेटमेंट दी, और वो स्टेटमेंट भी जिस तरीके से उन्होंने दी मैं कहूंगी कि वो भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया। और उसमें ना मुझे एक फ्रेज याद आ रही थी, वो एक कहावत बोलते हैं उर्दू में, 100 सुनार की एक लोहार की। तो वाकई में वो एक चीज आती है कि मतलब एक मर्तबा में जैसे वर्ड का शान सर ने बोला ना कि अटैक किया वर्ड के थ्रू, तो वो चीज मुझे याद आ रही थी कि वाकई में एक बात ऐसी करना कि अब उसको पूरे जो ग्लोबल मीडिया है वो उसको डिस्कस वो कर कहते ना कि इनकी पूरी वो चेंज कर देना डायरेक्शन, यानी कि आप वो बात भी इस तरह करें कि अगले बंदे को जो है ना वो चीज उस तरह फील भी ना हो। बट खैर मैं यहाँ पर ये भी बोलूंगी जो पुतिन है उनका भी एक बहुत मैं कहूंगी कि वाकई में उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि जो दो देशों के बीच में एक फ्रेंडशिप है,
वो जिस तरीके से आगे मजीद कॉन्वर्सेशन लेकर चले, इससे ये नजर आता है कि दोनों कंट्रीज अपनी फ्रेंडशिप जो है वो उसी तरीके से ही रखना चाहते हैं, उसमें वो कोई भी वो प्रॉब्लम किसी और की वजह से नहीं आने देना चाहते। तो बहुत अच्छी बात है कि जो आपकी, मुझे लगता है कि जो डिप्लोमेसी है वो इसी तरह की होनी चाहिए कि जो आपके दोनों कंट्रीज को, जो आपके मुल्कों के हक में बेहतर है, वो चीज एक बनाए रखनी चाहिए। बाकी आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो अभी जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन की, स्पेशली मैं यहाँ पर बात करूंगी कि जो यूक्रेन अगर जिस तरीके से फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा, क्या वो ठीक कर रहा है या फिर उसको पंप किया जा रहा है, या उसको ये लग रहा है कि भाई वेस्ट की तरफ से उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट है तो उसको पीछे नहीं हटना चाहिए, या इस वॉर का अंत क्या होगा, जरूर बताइएगा हमें कॉमेंट सेक्शन में। और इसके साथ हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर।